मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं किस काम से जा रही हूँ ऋषिकेश। तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैं किस काम से जा रही हूँ आज ऋषिकेश। और आज हम जाने वाले थे ऋषिकेश और आज है पीटू ऑपरेशन का डे। तो सुबह 8:30 बजे बुलाया ऋषिकेश डॉक्टर ने। तो हम जा रहे हैं पीटू को लेके उसका ऑपरेशन कराने वाले स्कूटी से। टन्नू मुक्कल हो गया था यार। तो तब तक देखा टुन्नू और मुकुल तो आ गए। तो फिर हमने टीटू को निकाला वहाँ अंदर से उनके घर से। तो जाके देख रहा कि टीटू को लेके कहाँ जा रहे हो, पीछे पीछे से आ रहा। फिर हमने टीटू को उसका वो बांधा, फिर उसको निकाला वहाँ से बाहर। फिर उसमें तो सीधे आ गया। फिर छोटा वाला भी, बड़ा वाला टीटू भी आ गया पीछे से। तो उसने सोचा कि यार कहाँ लेके जा रहे, फटाफट वो हमारे पीछे आने लग गया। और मैंने टीटू को अपने गोदी में बिठाया, फिर स्कूटी में लेके गए। टीटू डर रहा है, टीटू सोच रहा है मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ये दादे। हैं टीटू ये मंगा रहा था टीटू। इसको मैं आज इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत आराम से बैठ जाता है। लाल वाले को मैं नेक्स्ट डे लेके जाऊंगी। इसको एक मारियो, क्या खा रहा है वो जाने दो दीदी। गोबर वो कह रहा है, मेरे भाई को ले जा रहे, मुझे भी ले जाओ अंदर। चल बाय। टीटू डर के मारे अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, उसको स्कूटी में बैठते ही डर लग गया। उसने हमारे पति ना पार्टी भी कर दी, सुबह सुबह कर दिया, सब हमारे ऊपर ही कर दिया। डर के मारे कितना डर रहा था ना। टीटू को इंजेक्शन लग गया है, ये देख सोने लग गई ये। अरे अरे ये तो सोने लग गई। ये गिरी। ये देख असर कर दिया दवाई। इनसे एनेस्थीसिया लग गया है टीटू को, एनेस्थीसिया लग रहा। देख अब धीरे धीरे बेहोश हो जाएगी। पहले घर के वाले कुछ भी नहीं होता। कुछ कोई मतलब ही नहीं है, कितने सांधे। अगर वो दूसरे वाले होते ना फिर काट ही लेती। वो बहुत खराब है। तेजू क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है तो गिरने वाली है। डर का सर
कितना टाइम लगता है ऑपरेशन में? पता नहीं लगता, 30 से 40 मिनट्स लगता है। तीन इंजेक्शन लगे, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मैं सोई जब सो डॉक्टर कह रहे उसको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, और जबकि दिखने में इतनी छोटी है, कमजोर है, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये मुकुल जिसने मेरा पूरा पूरा साथ दिया यहाँ आने में। ये 3 इंजेक्शन लगे, कब सोएगी तू? सोचा आंखें बंद हो रही है ना, धीरे धीरे हो रहा है, नशा हो रहा है, गिरने वाले। देखो इसको असर हुआ है नहीं। टीटू कान नहीं हिल रहे, टीटू कान नहीं हिल रहे इसके, हो गया ये बेहोश, बेहोश हो गई टीटू। आंखों देख, ये वाली आंख मेरी, दूसरी आंख है थोड़ा सा होश टीटू। हाँ तो फाइनली टीटू रेडी हो गया है। है थोड़ा सा जरा तुमने टीटू और को ऑपरेशन के लिए छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा है तुम्हारे पास आधा घंटा है, आप लोग बहुत मॉर्निंग आ गए थे तो आप लोग चाय छुई पी के आ जाओ। तो यहाँ पे है भूतनाथ मंदिर, तो हम सोच रहे हैं मंदिर चले जाएं या फिर पहले कुछ खा के आ जाएं। हम पहले कुछ खा के आ जाते हैं फिर उसके बाद जाते हैं, देखते हैं। 13 मंजिल बाबा भूतनाथ मंदिर, 13 मंजिल है, चलना है क्या घूमने? चल पहले फटाक से कुछ खा के आ जाते हैं फिर चलते हैं। अरे क्लियरिटी तो आ रही है, 390 का आ गई है दोस्तों। देखिए गाइस ये टोयोटा है, क्या है टोयोटा की गाड़ी है ना, तो हम वहाँ से आए थे दोस्तों, अभी हम इधर जा रहे हैं। इतनी मोटी है ना, ये देखिए गाइस यहाँ की खाती पीती गाय। मैगी बना रहे हो? ये रही हमारी मैगी, सिंपल सी मैगी, वेजिटेबल खत्म हो गई थी इनके पास तो। ये तो खुश है, तो क्या तू क्या सोच रही है? इतना प्यार कर रहा था ना इसको मांग रहे, बिल्कुल इतने 3-3 इंजेक्शन लगाया कुछ भी नहीं कर रहा था। आप रो क्यों रहे? कहाँ रो रही? पागल है क्या? सिद्धू दिखाना, मुझे तो डर लगा। कहाँ पे से हुआ? पेट में सो रहा। लो टीटू भी आ गया, टीटू आ गया मारा। तो फिर हम हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, मैं टीटू को भी लेके घर आ गई हूँ। उसने ना हमारे ऊपर ही मतलब बॉडी वगैरह सब कुछ हमारे ऊपर ही कर दी थी। वो पहली बार गया ना गाड़ी में बैठ के, तो उसे बहुत डर लग रहा था शायद, इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। तो मैंने उसको अभी लेटा दिया है थोड़ा आराम करने के लिए, और मैं जा रही हूँ नहाने। सर्जरी के बाद टीटू लेटा है आराम कर रहा है। मैं नहा गई हूँ और टीटू के लिए भी मैंने खाना मतलब उसको बहुत मतलब हल्का सा देना है, तो दूध में मैंने रोटी भी खाई है, तो जितने खाता हूँ। ऑपरेशन तो आ गया, अभी कुछ मेडिसिन है, ये मेडिसिन
क्लासेस स्टार्ट होगी टिकली मेडिशन, तो बस मैं उसको मेडिशन दूँगी। तो आपने देखा मतलब मैं सुबह हम लोग सुबह गए थे तो उसका ऑपरेशन मतलब बहुत जल्दी हो गया था, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। बस ये है कि थोड़ी सी अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो या मतलब कुछ भी है तो बस आपके अंदर थोड़ी सी एक भावना होती है ना, वो होनी चाहिए कि हाँ आपको उसकी मदद करनी तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने जब फर्स्ट टाइम टीटू लोगों को ड्रॉप मतलब वो अडॉप्ट किया था, या मतलब जब फर्स्ट टाइम टीटू और हमारे घर पे आए थे, तो मैंने तभी सोचा था कि अगर मुझे इन दो फीमेल डॉग को रखना है या इनको इनकी केयर करनी है, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इनका ऑपरेशन करा कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले मैंने कहीं हॉस्पिटल में बात की थी, पर बाद में मुझे पता चला एक एनजीओ के बारे में, अगर आपको भी अपने किसी डॉग्स का ऑपरेशन कराना है या मतलब कुछ भी हो तो आप उस एनजीओ से आप संपर्क कर सकते हो या उनसे बात कर सकते हो। तो यहाँ मैंने अपने उसका टीटू का ऑपरेशन करा दिया। अब मेरे पास एक और फीमेल डॉग्स है, तो उन्होंने कहा पहले ब्लड टेस्ट होगा, टीटू का भी अभी एक ब्लड टेस्ट होना बाकी है, तो उसके बाद दूसरे वाले डॉग्स का मैं ऑपरेशन कराऊंगी, उसका भी मैं ऑपरेशन करा दूंगी। उसके बाद कम से कम टेंशन तो नहीं होगी मुझे, नहीं तो मेरे मन में हमेशा एक वो रहेगा कि इधर उधर ना जाएं या कुछ भी, मतलब टेंशन रहती है। तो इसीलिए तो आपने देखा मेरा आज का ये सफ़र इनका ऑपरेशन कराने वाला। तो अगर आपको भी कराना होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, या आप मुझसे अगर जो लोग मुझे जानते हैं वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बस एड्रेस बता दूँगी। वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब कोई ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही प्यार से वो मतलब बात करते हैं या बहुत ही प्यार से पेश आते हैं। जो खास करके जो स्ट्रे डॉग्स का ऑपरेशन होता है तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से वो करते हैं, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करते। पहले मैं सरकारी हॉस्पिटल में गई थी ऋषिकेश वाले, उन्होंने एक तो वो डेट पे डेट दे रहे थे और इतने सारे बहाने बना रहे थे, आज करेंगे कल करेंगे ऐसे करने में, मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। तो इसीलिए फिर मैंने वहाँ पर करा दिया, हो गया है टीटू का ऑपरेशन। अब 2 से 3 दिन लगेंगे उससे रिकवर होने में और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मतलब हमें जान उनका जैसे फीमेल डॉग्स हैं, हमें उनका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो ऐसे घूमते रहते हैं और क्या नाम होता है, अगर इनका ऑपरेशन नहीं होगा तो और इतने सारे बच्चे होते रहेंगे, वो कहीं रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई उन्हें मतलब लोग अपने घर से भगाते ही हैं उनको, एक केयर नहीं देते हैं। लोग अपने कुत्तों को कुछ दिन पालते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इनके साथ तो बहुत ही बुरा व्यवहार होता है, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है। तो जो ये दो थे तो इनकी मैंने केयर करी, तो मतलब मैंने सोचा कि इनका ऑपरेशन कराऊंगी, मैंने इनका ऑपरेशन करा दिया। कोई गलत सोचे या सही सोचे, मैंने मेरी मतलब उसके ऑपरेशन कराने के पीछे मेरी भावना बिल्कुल सही थी, तो मुझे सही लगता है, बस मैंने करा दिया। टीटू के ऑपरेशन को 4-5 घंटे हो गए हैं और ये खाना भी खा रहा है, गिरा ना सब, मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने आसपास के जो भी जानवर हैं उनसे प्यार करें, उन्हें मारे नहीं, और कम से कम एक जानवर की तो मदद करें ही करें, चाहे वो कोई भी हो, अगर और अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें।